सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। सड़क दुर्घटना होने के बाद अक्सर आक्रोशित लोग कानून को अपने हाथों में लेकर सड़क पर हिंसा करने के लिए उतारू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के बाद ड्राइवर और गाड़ी में सवार अन्य लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हो जाते हैं। बिहार के मोतिहारी में पिछले 24 जनवरी को कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला, जहां आक्रोशित भीड़ की आक्रोश में एक न्यायाधीश सपरिवार बाल बाल बच गए, क्योंकि मुआवजे की जीत पर अड़ी भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई थी। अगर समय रहते पुलिस वहां नहीं पहुंचती और सूझबूझ से काम नहीं लेती तो कुछ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वह हादसे के बाद हंगामा की तस्वीर है। दरअसल पिछले सोमवार 24 जनवरी को मोतिहारी जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अंतर्गत छपवा मोतिहारी एनएच पर बेतिया में तैनात न्यायाधीश एसीजीएम बन के शाही की कार बाइक से टकरा गई, जिससे बाइक सवार छगराहा गांव निवासी स्वर्गीय रुदल दास के पुत्र नथू दास की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बवाल करते हुए सड़क को जाम कर दिया और न्यायाधीश की गाड़ी को कब्जे में लेते हुए सपरिवार न्यायाधीश को बंधक बनाकर तरह तरह से प्रताड़ित करने लगा। करीब 3 घंटे तक न्यायाधीश के शाही पूरे परिवार के साथ आक्रोशित भीड़ के बीच बंधक बने रहे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के बाद बवाल कर रहे स्थानीय लोगों के बीच से काफी मशक्कत कर एसीजेएम, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान आक्रोशित भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई थी और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी भी चोटिल हो गए थे। अपने पूरे परिवार के साथ बेतिया जा रहे एसीजीएम के शाही की गाड़ी से हुई बाइक सवार की मौत पर ग्रामीणों के द्वारा तत्काल मुआवजा मिलने की जीद से घटनास्थल पर स्थिति अराजक हो गई। बार बार आक्रोशित लोग न्यायिक अधिकारी और उनके परिजन पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे। स्थानीय पुलिस पहुंचने के बाद स्थानीय प्रबुद्ध लोगों ने भी आक्रोशित लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट की गाड़ी से हुई घटना पर तत्काल बड़ी राशि मिल जाने की उम्मीद पाले लोग हिंसा करने लगे और हिंसा करने पर उतारू हो गए। आक्रोशित लोग पहले 10 लाख रुपए फिर 5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने की मांग करते रहे। इतना ही नहीं, बंधक न्यायाधीश को जब पुलिस अपने कब्जे में ली उसके बाद भी आक्रोशित लोग उन पर हमला करने की कोशिश करते रहे और कब्जे में जाने के बाद भी जान मारने की धमकी दे रहे थे। घटना के बाद हालात तो ऐसे हो गए थे कि अगर समय रहते घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंचती तो आक्रोशित भीड़ पूरी तरीके से हिंसा का स्वरूप ले लेती और कुछ बड़ी घटना घट सकती थी। तस्वीर में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ बार बार न्यायाधीश और उनके परिवार वालों पर हमला करने का प्रयास कर रही है और पुलिस की सूझबूझ के कारण न्यायाधीश बाल बाल बचे हैं और उन्हें आक्रोशित भीड़ से सुरक्षित निकाल लिया गया। इस मामले में अभी भी पुलिस के द्वारा कई आरोपी फरार चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो में साफ तौर पर न्यायाधीश पर हमला करने की कोशिश देखी जा रही है वह कहीं न कहीं समाज हित में एक अन्याय है और पुलिस के द्वारा अभी भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।